ये देखिए दोस्तों, हमने हमारी जो इंस्टा प्रोफाइल थी उसका लिंक हमारे फ्रेंड को शेयर कर दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ऐसी दो निंजा ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप 2023 में अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक किसी भी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, या अगर आपको वह लिंक आपके यूट्यूब चैनल पर डालना हो तो वहाँ भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमको हमारे मोबाइल पर इंस्टाग्राम की ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल आइकन दिख रहा है पे क्लिक कर देना है, तो वहाँ से आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे जो दोस्तों जो साइड में तीन लाइन आ रही है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे हम सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप इन ऑप्शन को फाइंड करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक शेयर करने का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों फिर कैसे आप हमारे फ्रेंड को हमारी इंस्टा प्रोफाइल का लिंक शेयर कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको वापस बैक आना है। बैक आने के बाद जो आपकी प्रोफाइल में सेटिंग ऑप्शन आता है उस पर चल जाना। उस पर जाने के बाद एक ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा, फॉलो एंड इन्वाइट फ्रेंड, इस पर क्लिक कर देना दोस्तों। तो यहाँ आप जब आएंगे तो यहाँ तीन तरह के आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो हमें जो तीसरा ऑप्शन है इन्वाइट फ्रेंड बाई शेयर, इस पर क्लिक करना है। और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से हमारी प्रोफाइल का लिंक है वह कॉपी कर लेंगे, आप कॉपी कर लेना। इसको कॉपी करने के बाद आप आपके फ्रेंड को इसको शेयर कर देना। अब जो दूसरी ट्रिक है वह बता देते हैं। तो दूसरी ट्रिक के लिए दोस्तों आपको वापस प्रोफाइल में आ जाना है। प्रोफाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिट प्रोफाइल, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमको यूजर नेम वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से हमारा जो भी इंस्टा आईडी का यूजर नेम है इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों हमें हमारे मोबाइल में गूगल क्रोम की ऐप को ओपन करना है। गूगल क्रोम ऐप को ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा, जहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे आके आपको टाइप करना है instagram.com/, और जो भी यूजर नेम आपने कॉपी किया था वह यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको एंटर कर देना। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।